This is WiseTech Engineering Drawing YouTube channel. So today I am going to explain you projection of planes. मैं आज को projection of planes का एक equilateral triangular का problem बता रहा हूँ, जो मेरे basic tricks है और basic skills है. मैं आपको कैसे draw करना है ये simple way से बता रहा हूँ. तो हम आते हैं अपने problem पर. एंड equilateral प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स को प्लीज मेरे वीडियोस टिल एंड तक वॉच कीजिए. आपको तभी समझ में आएगा और सिंपल जल्द से जल्द समझ में आएगा. ओके, तो अब आते हैं अपने प्रॉब्लम पर. एन इक्विलैटरल ट्रायंगुलर लामिना ऑफ साइड 40 mm रेस्ट विथ वन ऑफ इट्स साइड ऑन HP. ओके, तीन प्रोजेक्शन करना है. तो अपना प्रॉब्लम क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल. इक्विलैटरल ट्रायंगल कैसे ड्रॉ करते हैं? उसकी साइड कितनी है? 40 mm. तो हम यहाँ पे हमको फर्स्ट पोजीशन ऑफ प्लेन्स में हमको यहाँ पे तीन चीज देखना बहुत जरूरी है. पहला, कौन सा प्लेन? प्लेन मीन्स इक्विलैटरल ट्रायंगल है प्लेन. फिर सेकंड क्या है? उसकी साइड कितनी है? 40 mm. सेकंड दो चीज हो गए. फिर रेस्ट विथ वन ऑफ इट साइड. साइड मीन्स वो साइड पे रेस्ट कर रहा है या कॉर्नर पे रेस्ट कर रहा है, वो तीसरी चीज हो गई. ठीक है, तो हमारे पास तीनों चीज मिल गए. ट्रायंगल फर्स्ट वाला आपका ट्रायंगल प्लेन हो गया, उसकी साइड 40 mm है और वो किस पर रेस्ट कर रहा है? साइड पर रेस्ट कर रहा है. तो ट्रायंगल को साइड पर रेस्ट करने के लिए जो साइड कितनी है? 40 mm. तो इसको कैसा ड्रॉ करते हैं सिंपल वे से देखिए. इसकी साइड 40. ओके, और ये फिर डिवाइडर लीजिए. ट्रायंगल ड्रॉ करने का मेथड है ये. कितना है उसका मेजर कीजिए. ये एक एंड पे रख के सिंपल एक आर्क ड्रॉ करिए. फिर ये एक एंड पे रख के सिंपल एक आर्क ड्रॉ करिए. फिर उसके बाद यहाँ पे ये दोनों आर्क्स मिल रहे हैं, उसको मिला लीजिए. ये हो गया. अब ये ड्रॉ करने के बाद, ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद जो आर्क्स आप ड्रॉ कर रहे थे उसको आप रब कर दीजिए. ठीक है, चेक कीजिए. इक्विलैटरल ट्रायंगल. इक्विलैटरल ट्रायंगल मीन्स इक्विलैटरल ट्रायंगल है जो साइड कितने? 40. तो ये 40, ये 40, ये 40 हो गया. रेस्ट विथ वन ऑफ इट साइड. तो राइट साइड साइड पे रेस्ट हो गया. ओके, उसके बाद क्या करना है? आपको लेबलिंग करना है ए बी सी. उसके बाद आपको प्रोजेक्शन लाइन्स लेना है एक्सट्रा लाइन तक हर एक पॉइंट से, ए से, बी से, सी से, डी से. बी और सी से बी हो गया और इतनी लाइन मिलके मिल रही है आपको, वो आपका लामिना है. ये लामिना है, इतनी लाइन आपकी लामिना है. ओके, अब ये लामिना क्वेश्चन में देखिए. एन इक्विलैटरल ट्रायंगुलर लामिना. लामिना में दिस वन इज लामिना. दिस इज इक्विलैटरल ट्रायंगल हैविंग लामिना ऑफ साइड 40 mm. 40 mm की साइड हो गई. रेस्ट विथ वन ऑफ इट साइड. साइड पे रेस्ट हो गया. ओके, अब हमको ये प्लेन को नीचे से देखना है. हर एक पॉइंट्स को मीन्स ए को यहां से नीचे से ए दिख रहा है, यस दिख रहा है तो ए डैश. बी भी दिख रहा है नीचे से तो बी डैश. सी यहां से हमको नहीं दिख रहा तो उसको ब्रैकेट में लिखना चाहिए बी डैश, क्योंकि ये इनविजिबल है. यहां से आपको सी नहीं दिखता, इनविजिबिलिटी के लिए ब्रैकेट में. ओके, यह आपका फर्स्ट पोजिशन हो गया. यहां तक आपका सोल्यूशन खत्म हो गया. नेक्स्ट, उसके बाद सेकेंड पोजिशन में सेंटेंस पढ़िए. सो दैट The surface of the lamina is inclined at 30 degree to HP. जो एंगल HP को दे रहा है, 30 degree एंगल जो HP को दे रहा है वो second projection का है. ठीक है, HP को जो दे रहा है. ठीक है, तो ये HP को जो एंगल दे रहा है कितना दे रहा है? 30 degree. तो 30 degree पे क्या चीज बिठाना है? So that the surface of the lamina means this lamina we have to keep the 30 degree. वे आपको की हमको 30 degree पे हमारा लामिना बिठाना है. तो कैसे बिठाते हैं? एक सिंपल एक डॉट लीजिए, आपका प्रोटेक्टर लीजिए, लेके यहाँ पे रखिए. कितना एंगल है? 30 degree. 30 degree पे डॉट डाल दीजिए, एक हल्की सी लाइन लीजिए वो डॉट से और वो. उसके आपका डिवाइडर लीजिए, ये मेजर हो गया. ओके, तो जितनी ये लामिना जाके 30 degree एंगल पे बैठ गया. तो लामिना की लाइन डॉट कीजिए, इतनी
ओके, बाकी जो एक्स्ट्रा लाइन थी इसको रब कीजिए। यही लाइन यहाँ पे जाके बैठा दिए, जब ये लाइन ले जाके 30 डिग्री एंगल पे बैठा दिए, चेक कीजिए 30 डिग्री एंगल आप लिए थे प्रोटेक्टर से, 30 डिग्री लिख दीजिए। तो इसकी लेबलिंग भी सेम यहीं पे, मीन्स ये एग्जैक्टली 30 डिग्री टिल्ट हो गया, ए डैश बी डैश सी डैश। फिर इसके बाद प्रोजेक्शन लाइन दीजिए नीचे हर एक पॉइंट से, ए से बी डैश सी डैश से ले लिए। फिर ये प्लेन से लीजिए ए बी सी। अब उसके बाद ये ए कहाँ पे मीट हो रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे आप लेबलिंग कीजिए कहाँ पे मीट हो रहा है वहां पे ए लिख दीजिए, बी बी कहाँ पे मीट हो रहा है वो बी लिख दीजिए, सी सी कहाँ पे मीट हो रहा सी हो गया। उसके बाद ए से बी बी से सी पूरे डार्क कीजिए। ओके, उसके बाद आपका थर्ड पोजीशन, थर्ड मींस सेकंड पोजीशन आपको यहां तक खत्म हो गया। अब थर्ड पोजीशन में क्या दे रहा है, द साइड ऑन विच द लामिना रेस्ट इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू वीपी, 45 डिग्री एंगल वीपी को दे रहा है तो अपोजिट साइड एंगल लेना है, वीपी को दे रहा है तो एचपी पे लेना है, कितना 45 डिग्री। एक डॉट लीजिए पहले, एंगल कितना है 45 डिग्री, अगर प्रोटेक्टर रख दिए 10 20 30 40 45, डॉट लीजिए, वो डॉट से वो डॉट पे रख के एक हल्की लाइन लीजिए। ठीक है, अभी 45 डिग्री एंगल पे क्या चीज बैठाना है, क्वेश्चन में आई है द साइड ऑन विच द लामिना रेस्ट, द साइड मींस ये जो लामिना, ये लामिना है आपका, किस पे रेस्ट हो रहा है एक्स्ट्रा लाइन पे, बी डैश और सी डैश पे हो रहा, तो इसका साइड कौन सा है, बी और सी, तो ये बी और सी इस पे रेस्ट हो रहा है 40 डिग्री एंगल पे। ओके, तो हमको ये चीज बिठाते हुए ये फिगर को कॉपी करना है, तो कॉपी करने से पहले एक पॉइंट लीजिए कहीं भी, ये कितना है तो मेजर कीजिए, आग डाल दीजिए, मीन्स कौन सी लाइन कॉपी होगी, बी और सी, तो ये बी हो गया और ये सी, इतनी लाइन डाल कीजिए। ओके, फिर डिवाइडर लीजिए, ये कितना है मेजर कीजिए, ए से बी, ये और ये उतना ही होगा, यहां से एक आग डाल दीजिए, यहां से एक आग डाल दीजिए, ये दोनों आग कहां से मिल रहे हैं, आप बी और बी से मिला दीजिए और सी से मिला दीजिए, ये कौन सा पॉइंट हो गया, ए पॉइंट, ये फिगर कॉपी हो गया। एंगल कितना दिया क्वेश्चन में, 45 डिग्री एंगल बता दिए, 45 डिग्री। उसके बाद ये प्लेन से प्रोजेक्शन लाइन ले लीजिए, फिर ये प्लेन से ए से बी और सी से तो ऑलरेडी है, तो इसके पॉइंट, इसको पॉइंट्स के देखते हुए कहां पे मिल रहा है वहां पे लेबलिंग कीजिए, बी और बी कहां पे मिल रहा है, यहां पे, ये बी डैश, सी सी कहां पे मिल रहा है, सी डैश। उसके बाद ए से बी मिला दीजिए, बी से सी मिला दीजिए, सी से ए मिला दीजिए, ये हो गया आपका प्रोजेक्शन। उसके बाद लास्ट में आपको प्रोजेक्ट, कितने भी क्वेश्चन में डायमेंशनिंग दिया है 40 30 डिग्री एंगल 45 डिग्री एंगल, आपको पूरे लेबल करना है, तो हमको क्या नहीं लेबल करें, 40 mm लेबल नहीं करें, तो आपका ट्रायंगल का साइड बताने के लिए कितना है, साइड 40 है, कौन सी भी एक साइड बता सकते हैं आप, 40, चेक कीजिए 40 हो गया, 30 भी हो गया एंगल और 45 भी हो गया। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है पोजीशन ऑफ प्लेन्स का, इक्विलैटरल ट्रायंगुलर लामिना जो साइड पे रेस्ट कर रहा है। प्लीज गाइस, मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज एंड तक देखिए मेरे वीडियोस, आपको इजीली समझ में आएगा फास्ट। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।